हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हो। और मैं हूँ असम से, हुजाई डिस्ट्रिक्ट, तिनी अली बाज़ार। मैं हूँ आमिर हुसैन। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। तो आप देख सकते हैं हम इसको पानी मार रहे हैं, कैसे पानी मार रहे हैं देख सकते हैं आप, क्योंकि ये पानी मारने का तरीका ही कुछ अलग होता है, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ना। तो इसको अभी हम पानी मार रहे हैं, और सामने जो देख रहे हैं ये है अगरवुड के पौधे हैं, और उसका साथ में है जो हाइब्रिड सुमंगला जो सुपारी का है ना, बेटल नट यानी कि आरिका नट। तो ये प्लांट रखा हुआ है, और इसको अभी हम 2 दिन के बाद पानी डाल रहे हैं इसको। और वहाँ पे है महोगनी के पौधे हैं, है ना। तो मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। और अगर आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में तो ज़रूर फ़ोन कर लेना, कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको पानी मार रहे हैं, देख सकते हो आप कैसे पानी मार रहे हैं इसको, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है ना, वो जो पानी जो मारते हो वो पानी मारने का तरीका ही कुछ अलग होता है, वो देखिए आप। और कुछ भाई ये बताते हैं कि भाई मैं तो अभी इसको पौधे को अभी लगा के रखूँगा, फिर मर जाएगा, कैसे क्या होगा, है ना। तो हम तो भाई 2-3 साल तक ऐसे ही पौधे रखते हैं, मरता नहीं है पूरा, वो भी धूप में रखा हुआ रहता है, धूप में पूरा, क्योंकि इसको तो हम पूरा धूप में रखते हैं पौधा, फिर भी पौधे मरते नहीं हैं। क्योंकि कोई भी पौधा लगाओ ना, अगर ग्रीन नेट का नीचे जो पौधा रहेगी, अगर ये पौधा अगर आप धूप में लगाओगे तो ये पौधा मर जाएगा 100%। और इस समय जो सर्दी का जो मौसम है, बात तो सही है सर्दी का मौसम है, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है दिन में, जो धूप निकलती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी आती है ना। देखिए अब हम पानी तो मार रहे हैं, और भाई मैं और एक बात बोलूँ, ये आप किधर में भी लो, इंडिया के अंदर लो, इंडिया के बाहर लो, पौधे तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कहीं में भी अगर आप बुलाना चाहो पौधे तो हम बेच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सामने देखिए, अब ये तो रसमलाई के पौधे हैं, अगरवुड के पौधे, और ये देखिए ये सफ़ेद चंदन का है, ये छोटा छोटा जो देख रहे हैं ना ये सफ़ेद चंदन का है, फिर भी ये 1.5 फीट का पौधा है। अब उसको देखिए, ये अगरवुड के पौधे हैं, ये है लाल चंदन के पौधे, अभी हम इसको पानी डाल रहे हैं, और भी है बहुत सारे हैं पौधे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए उतना ही, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है, ठीक है ना। अभी पानी डालने का है पौधे में, क्योंकि कुछ पौधे अभी सुखा चुके हैं, ठीक है ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम।